पुर पुलिस ने बैंक से करोड़ों रुपए का गबन करने के आरोपी कैशियर किशन बघेल को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, बीते महीने आरोपी कैशियर ने 5 करोड़ से ज्यादा की रकम सिक्के में जमा बताकर रुपयों का गबन कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब करेंसी चेस्ट में सिक्कों को गिनती हुई और जिसके बाद प्रबंधक बैंक के कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी कैशियर किशन गबन के पैसों से ब्याज पर पैसों को लगाता था। इससे हर महीने उसे मोटी कमाई ब्याज के रूप में हो रही थी। किशन ने जिन लोगों को ब्याज में पैसे दिए हैं उन्हीं में से 6 लोगों के नाम पर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए गए और उनके खातों को किराए पर लिया और इस तरह से बैंक को करोड़ों का चूना लगाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी कैशियर बघेल से पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसपी डीसी पटेल ने बताया कि अभी खाते में 1 करोड़ से अधिक की राशि है जिसे फ्रीज कराया गया है। एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। जून महीने में एक एफआईआर दर्ज हुआ था कि बैंक का 5.5 करोड़ लगभग रुपए जो है फ्रॉड किया गया है, गबन कर दिया गया है सेल्समैन उस वहाँ के जो कैशियर है उसके द्वारा। उसी पर उसमें जो है कैशियर के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध किया गया था जो अभी तक फरार था। कल इसने जो है कोर्ट में सरेंडर किया था जिसको अभी पुलिस रिमांड लेकर के थाने ला करके पूछताछ की जा रही है। कितना रकम रिकवरी हो पाएगा सर इससे? अभी जो प्रारंभिक इसमें मामला सामने आया है लगभग 1 करोड़ रुपए जो है इनके अकाउंट में है तो उसको फ्रीज किया गया है।